नमस्ते प्यारे और जिज्ञासु बच्चों, क्यूरियस, जब तक जिज्ञासा बाकी है तब तक तुम स्टूडेंट हो। जिज्ञासा खत्म, स्टूडेंट इज नो मोर। तो हमारे अंदर जब तक जिज्ञासा रहती है हम सीखते जाते हैं, सीखने की इच्छा हमारे अंदर होती है। तो एक टीचर भी स्टूडेंट तब तक रहता है जब तक सीखने की इच्छा उसके अंदर होती है। तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे बोर्ड एग्जाम के लिए, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं। एग्जैक्ट क्लास 7:15 बजे शुरू करेंगे, तो वार्म अप एक्सरसाइज में एमबी बोर्ड से कुछ सवाल फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं, जस्ट फॉर रिविजन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन मूविंग द सरफेस चार्ज ऑफ मेटलिक स्फीयर टुवर्ड्स इट्स सेंटर तो रिमेन जीरो। पूरे मेटल के स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर भी जीरो, अंदर भी जीरो, पोटेंशियल पूरे में सेम। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो फिर चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज 1, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए होता है 1। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय द इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर, एस डाइपोल इज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पोटेंशियल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डाइपोल के कारण फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, सो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय F equal to QE. The dielectric constant of metal is infinity. ये होती है static situation जिसमें infinity होता है, dynamic situation होगी तो 1 हो जाएगा, dynamic situation में change हो जाता है। कई ऐसे constant हैं, कहने के लिए constant है, जैसे alpha temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistivity, वैसे constant है पर different temperature range में different हो जाता है alpha। ऐसे KM मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वैसे कहने के लिए कांस्टेंट है बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ H के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा ऐसे कांस्टेंट्स का जो चेंज हो जाते हैं। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 18। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस विल बी, तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे सी इक्वल टू आर बाई के, तो सी इक्वल टू आर बाई के से आ रहा है सी के, सी 1 माइक्रोफेरेड 10^-6 फेरेड इंटू के, के है इलेक्ट्रोस्टेटिक कॉन्स्टेंट 9×10^9, तो 10^-6 इंटू 9×10^9 9×10^3 यानी 9 किलोमीटर। यहां से हमें समझ में आता है कैपेसिटर बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम कंडक्टर इस्तेमाल करते चार्ज को स्टोर करने के लिए तो 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी वो जनरल कैपेसिटी है जो हमें चाहिए होती है किसी रेडियो में, टेलीफोन में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो एक रेडियो में 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के कई कैपेसिटर लगे होते हैं। अगर कंडक्टर इस्तेमाल करते तो सोचो रेडियो का साइज क्या होता, क्योंकि ऐसे कई कंडक्टर लगाने होते हैं जिनकी रेडियस होती है 9 किलोमीटर। ऐसे रेडियो को हम कहाँ रखते हैं, व्हाइट हाउस में भी नहीं रख सकते, इतना बड़ा घर किसी के पास नहीं है, इसलिए हमने कैपेसिटर बनाया। फिल इन द ब्लैंक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, हम W बाय Q से निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क की डायमेंशन ML(T-2) डिवाइडेड बाय चार्ज 18, I(T) से बनता है एम्पियर इंटू टाइम।
In an electric dipole, charges plus Q and minus Q are situated at distance 2L. So dipole moment ho jayega Q into 2L. Number of electrons in 1 coulomb charge, 6.25 into 10 to the power 18. The numerical value of a specific charge of an electron is 1.76 into 10 to the power 11. Tum chaho to E by M calculate karke nikal sakte ho. Surface on which potential is equal is called equipotential surface. The potential of earth is assumed as 0. Reference lete hain usko. The force between two electric charges is F. If distance between them is reduced to half, then the value of F will become 4 times 4F. Rasam board pe chalte hain. Write any two properties of electric field lines. Electric field lines never intersect each other. Or gaur karo, electric nahi likha hai, ab likha humne electrostatic, never form closed loop. There is difference between electric field and electrostatic field. Electrostatic field conservative hota hai, electric field conservative nahi hota hai. Write the statement of Gauss law. Gauss law ka statement ho gaya, net electric flux emerging from a closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge contained by it. Jisko hum support karenge mathematical expression se. Write the definition of electric dipole moment. Common question hai, Bihar board mein bhi pucha gaya. Electric dipole moment is equal to product of magnitude of one of the charge with distance between them, yani Q into 2L. Yahan par aa jayega 2A. Write the statement of Gauss law for electrostatics, draw a diagram and derive an expression for electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet at a point near the sheet. So, jaise tum isko padhte ho, tumhare dimag mein strike karna chahiye sigma upon 2 epsilon 0. Ye derivation tumhe karna hai. In the given diagram, write the value of electric flux passing from the surface. Ye ek diagram tumhe diya hua hai. Isme kitna electric flux pass ho raha hai? वो तुम्हें कैलकुलेट करना है. तो तुम देख रहे हो नेट चार्ज कितना है, 2 माइनस 1, 1 माइक्रो कूलम. तो फ्लक्स हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन 0. तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे. मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार नंबर का है सवाल. इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले गॉस लॉ स्टेटमेंट, फिर हम बताएंगे डायरेक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज होगा. एक डायग्राम ये बनेगा, एक डायग्राम और बनेगा जिसमें हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इंटीग्रेशन वाले मेथड से रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. तो तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 निकालना नहीं आता है? हाथ ऊपर करो. ये डेरिवेशन नहीं आता तुमको? अच्छा ठीक है, तो देखकर आना कल इस डेरिवेशन को, देखकर आना. उसके बाद जो है, उसके बाद भी तुम बोलोगे नहीं आता, खुद नहीं कर सकते, मैं यहाँ सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है, डेरिवेशन यहाँ करवा दूंगा इसकी पूरी डिटेल. तीन में से एक तो करवाना ही है मेरे को. गॉस लॉ की जो तीन एप्लीकेशन है, या तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला करवाऊंगा, या शीट ऑफ चार्ज, या फिर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर. तो तुम डिसाइड कर लेना कौन सा किससे ज्यादा अनफैमिलियर हो. ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, 2 माइनस 1 करके 1 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. तो तुम ट्राई कर सकते हो कौन सा तुम्हें ज्यादा मुश्किल लगता है. डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा कॉमन क्वेश्चन है, हर बोर्ड में एक्सपेक्टेड है. अप्लाई गॉस लॉ. मान लो 5 डिफरेंट बोर्ड के बच्चे यहां बैठे हैं, तो 5 में से 3 के बोर्ड में इस बार ये सवाल मिल जाएगा पार्शियली या फिर फुली. अप्लाई गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन infinitely long uniformly charged straight wire. तो कौन सा derivation? 2k lambda by r. draw the necessary diagram. तो अब time हो गया है, तो main class पे चलते हैं. ये इसका derivation तुम try कर लेना. ये वाला तुम सीखना चाहते हो या पिछला सीखना चाहते हो, ये कुछ diagram इसके और ये derivation का result 2k lambda by r. मेरा सजेशन है जब भी तुम ये डेरिवेशन करो, डिराइव करो, तो ग्राफ जरूर बना के आओ. फाइनली
इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ग्राफ बनाकर जरूर दिखाकर आओ, ये मेरा सजेशन है। तो हम चल रहे हैं मेन स्लाइड्स पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने करना शुरू किया था, तो मैं गाइड किया था, मैंने गाइडलाइन बताई थी कैसे इनको यूज करना है। तो आज तुम तैयार करके लाए होंगे। तरीका यह था कि तुम्हें मार्क करके लाना था अपने बुकलेट में, और सीधे मैं पूछूंगा कि बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन पे 15 से ज्यादा हाथ ऊपर हो जाएंगे, यानी 15 से ज्यादा लोग जानना चाहेंगे, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ऐसा पैटर्न। तो सबसे पहले तो 1.13 की बात करते हैं, ये होमवर्क में मैंने दिया था। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, पढ़कर देखा, हाथ ऊपर करो। इतने लोगों ने पढ़कर देखा, जितने लोगों को समझ में आ गया वो हाथ नीचे कर लो, जिनको नहीं समझ में आया अभी हाथ ऊपर रखो। ओके, देखो डिस्कस करते हैं इसको, और इसमें कहां कहां अटकते हैं, क्या चीजें समझने की है वो देखो। मैंने कहा था इसके साथ तुम्हें पेज नंबर 149 पर जो 4.8 है उसको भी साथ में सॉल्व करना था। ये एक छोटा स्फीयर, जहां तुम अटकते हो बता रहा हूं, ये जो छोटा स्फीयर है ये न्यूक्लियस है। इसकी रेडियस कितनी होगी अंदाजा लगाओ, 10^-15 मीटर। और जो बाहर वाला पार्ट है इसका साइज क्या होगा, 10^-10 मीटर। यानी इस 10^-10 मीटर के कंपैरिजन में 10^-15 मीटर इज नेग्लिजिबल। तो अगर मैं इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम निकालता हूं तो क्या उसमें से इस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना सही रहेगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी हम इसको पूरे को कंसिडर करेंगे। तो एक तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। तो देखो इसके अंदर है जेड ई, बाहर होगा माइनस जेड ई, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है तो इसके अंदर चार्ज है जेड ई, क्योंकि जेड प्रोटॉन है इसके अंदर, और बाहर इतने इलेक्ट्रॉन घूम भरे हुए हैं कि बाहर का टोटल चार्ज है माइनस जेड ई, नेट चार्ज हो गया जीरो। अब तुमसे कहा इस पॉइंट पर जो कि आर दूरी पर है, मान लो ये पॉइंट है जो कि आर दूरी पर है, यहां पर हियर इज द पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में किसका कंट्रीब्यूशन होगा, एक तो प्लस जेड ई का, उसकी वजह से पॉजिटिव में होगा चार्ज। और ये स्फीयर कंसीडर करूंगा, शेल थ्योरम बताई थी मैंने तुमको कल, आई विल कंसीडर ओनली दिस स्फीयर, इसके अंदर कितना नेगेटिव आ रहा है। डेफिनेटली इसके अंदर जो नेगेटिव आ रहा है वो उसके पॉजिटिव से कम है, कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा रेडियली आउटवर्ड। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, किस जो भी पॉइंट कहीं पर भी तुम लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। हमें तय करना है इसके अंदर कितना चार्ज आ गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। तो इसकी प्रोसेसिंग देखो, इसकी प्रोसेसिंग ऐसे होगी, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस मॉडल ऑफ एटम इज एज शोन, टोटल नेगेटिव चार्ज वो मैंने तुम्हें बता दिया माइनस जेड ई। कुछ बच्चे यहां आके अटकते हैं इस जीरो पर, वो बोलते हैं कि चलो ये तो ठीक है, रॉ मान लिया हमने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है नेगेटिव पार्ट में, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रॉ, तो टोटल 4/3πr³ इस वॉल्यूम को अगर मैं रॉ से मल्टीप्लाई करूंगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ द होल स्फीयर, तो कितना आना चाहिए मेरे पास माइनस जेड। तो कुछ बच्चे इस जीरो से कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सलाह देता हूं इस जीरो को भूल जाओ, मान लो है नहीं, जीरो इज नॉट देयर, तब कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। माइनस जेड के बराबर चार्ज बिखरा हुआ है जिसकी वजह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ है। फिर रॉ की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, -3zd/4πr³। अब हम जानते हैं फ्लक्स होता है ई डॉट ए, फर्स्ट पार्ट जो है हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि अंदर है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, बड़े स्फीयर के अंदर। तो फाई होता है ई। अब इसमें कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि आर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये बताया ई इज फंक्शन ऑफ आर, दिस इज नॉट मल्टीपल, मल्टीपल नहीं है इसका। 4πr² उसका एरिया है छोटे स्फीयर का जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो फ्लक्स हम एक तो डायरेक्ट मेथड से लिख सकते हैं, जब भी गॉस लॉ लगाते हैं फ्लक्स एक तो डायरेक्ट मेथड से लिखते हैं, एक गॉस लॉ से लिखते हैं। गॉस लॉ लगाने के लिए हमें चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड, तो इस छोटे स्फीयर में जिसकी रेडियस स्मॉल आर है कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, न्यूक्लियस वाला चार्ज आ गया जेड ई, प्लस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में जो चार्ज है वो आ गया
4 by 3 pi r cube into rho, charge per unit volume into volume of small sphere. अब चार्ज की इस वैल्यू को इसमें रॉ की वैल्यू में डाल देता हूं जो पहले निकाली थी. रॉ की वैल्यू डालने पर चार्ज की वैल्यू आ गई मेरे पास. ये मेरे पास टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है. मैं गॉस लॉ लगाता हूं, फाई को लिख देता हूं क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो फाई कितना आ जाएगा, ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया फाई. तो फाई के लिए मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, एक ये ऊपर वाला, एक फाई का एक्सप्रेशन नीचे वाला. अगर मैं इसको क्या लिख देता हूं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो. मैं दोनों से एलिमिनेट कर देता हूं फाई को और पता करता हूं ई, तो ई मेरे को ये मिल जाता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. ये ई की वैल्यू आ जाएगी कट पिट के. और डायरेक्शन के लिए हमने लिख दिया डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड. फिर जो सेकंड पार्ट है, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर बाहर वाला पॉइंट होगा, बाहर वाला पॉइंट होगा तो टोटल चार्ज उसके अंदर जीरो है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. बाहर वाले हर पॉइंट के लिए टोटल चार्ज जीरो है. टोटल चार्ज जीरो होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो. अब इसको भी लिंक कर देंगे तो परमानेंट हो जाएगा. लिंक कैसे करेंगे इसको, जो कंडक्टिंग स्फीयर होता था, कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता था, अंदर फील्ड जीरो होता था, बाहर नॉन जीरो होता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर. यहां उल्टा है, यह बाहर जीरो है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. तो बाहर जीरो है, अंदर जीरो नहीं होता था. बाहर जीरो हमेशा नहीं होता है, बाहर जीरो इसलिए है क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव इस पर्टिकुलर केस में. तो तुम्हें वापस से याद दिला देता हूँ शेल थ्योरम ग्रेविटेशन में, हमने कल डिस्कस किया था इसको. फिर ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें सेम लॉजिक लगा के करना था. फिर ग्राफ में जो डिफरेंस आया था वो बताया था कि बी में तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर होता है, जबकि अगर हम एक्स एक्सिस पर बी के बजाय जी या फिर ई लेंगे तो प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर होगा. ये हमने डिस्कस कर लिया था. और कल कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है. फिर तो ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, देखो ए क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. सी क्लियर है. डी के लिए तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा. अब बचा बी, तो बी में फाइनली अगर हमें बनाना पड़े तो हम क्या बनाएंगे. तो बी में अगर फाइनली तुम्हें बनाना पड़े तो तुम क्या बनाओगे, तुम बनाओगे सबसे पहले प्लेन. दो प्लेन बनाना सफिशियंट होगा. जो लैंग्वेज में लिखा है कि प्लेन पास आ जाएंगे या दूर, वो तो मुश्किल है बनाकर दिखाना, पर दो प्लेन सफिशियंट है. तुम लाइंस दिखाओगे किस तरह से काट कर जाएंगे. स्पेशल इफेक्ट डायग्राम में डाला तुमने कि लाइंस इस तरह से दिखाओगे काट कर जा रही हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही लग रहा है इसका. ऊपर की तरफ लाइंस पास पास होंगी और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे लाइंस के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, जो ये इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है मैग्नीट्यूड में. ये इंडिकेशन इसका मिले. तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम दिखाने वाले हैं इसमें. हालांकि एग्जैक्ट मैच नहीं है, पर यही मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन का. मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है बट मैग्नीट्यूड में नॉन यूनिफॉर्म है. और प्लेन ए का पोटेंशियल अगर वी ए है और प्लेन बी का पोटेंशियल अगर वी बी है, तो वी ए और वी बी में ये रिलेशन होगा नो डाउट. ए पर पूरे पर पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस है. बी पर भी पूरे पर पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस है. इसके बाद सीधे आते हैं हम आगे के क्वेश्चंस पे. तो क्या बुकलेट के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 6
कोई पूछना चाहेगा? बुकलेट लाया, बुकलेट ओपन कर लो। तुम्हें जो बुकलेट मिली है, डिफाइन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम, राइट इट्स SI यूनिट। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सॉल्यूशन खोल के तुम देख सकते हो। लिखने के तरीके में तुम्हें यह ध्यान रखना है कि ये नो यूनिट अलग से दिखना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, अंडरलाइन हो, अलग से दिखे। ये नहीं हो कि ऊपर वाले आंसर में वो मैच हो जाए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है आंसर का। अगर ऊपर वाले आंसर में मिक्स हो गया, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ा, वो नहीं ढूंढने की कोशिश करेगा, तुम्हारे नंबर उसके कट जाएंगे नो यूनिट वाले। तो ये अलग से दिखना जरूरी है। व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप? ये एक तो ऑप्शन है कि बड़ा वाला आंसर लिखो फैला के, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो बेटर ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज प्लस क्यों रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? इंडक्शन की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फर्दर सरफेस पे पॉजिटिव बचेगा, लाइंस शावर की तरह जाएंगे, इस तरह से यहां एंड हो जाएंगी, चार्ज बॉडी में एंटर नहीं करती, कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, जिसके अंदर डाइपोल है? अब एक डाइपोल हो या 10 हो या 100 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट चार्ज 0 होने से फ्लक्स भी होता है 0। यहां से हम लिंक करते हैं मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का स्टेटमेंट हमको यहां से मिलता है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक पोल्स जब भी होंगे डाइपोल होंगे, डाइपोल होंगे तो नॉर्थ की वजह से जितनी लाइंस बाहर जाएंगी, साउथ की वजह से अंदर आएंगे। द फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी? तो तुम्हें देखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं तुमसे। देर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, उनकी सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इफ वी मेक द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मैं उनको पास ले आता हूं, 10 सेंटीमीटर पे रख देता, विल पोटेंशियल एनर्जी पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा डिक्रीजेस, तीसरा रिमेन सेम, चौथा मे इंक्रीज और डिक्रीज? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फोर्थ वन, मे इंक्रीज और डिक्रीज। बिकॉज जब तक तुम्हें नहीं बताते नेचर ऑफ चार्जेस, वो सेम नेचर के रिपेल कर रहे हैं, तुम पास ला रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है, अपोजिट नेचर के अपने आप पास आएंगे, खुद वर्क करेंगे, सिस्टम खुद वर्क करेगा, एनर्जी घट रही है। तो यहां पर क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, के Q1 Q2 अपॉन R, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी, यानी माइनस क्यू कहां पड़ा होगा? कैपिटल क्यू पॉइंट पर। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो नेगेटिव में कम होगी एनर्जी, पर वैसे एनर्जी ज्यादा होगी। नेगेटिव में कम होने का मतलब ज्यादा होना, तो पॉइंट क्यू पर हायर, पॉइंट पी पर लोअर। Write a relation for polarization P vector of a dielectric material in the presence of an external electric field E vector. कितने लोगों को यह क्वेश्चन पूछना है, हाथ ऊपर करो। तो इसकी डिटेल समझ लो, जो सॉल्यूशन दिया है वो एक्सेप्टेबल है, एक तो ये फॉर्मेट है, पर इसमें कुछ गलती है, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या गलती है। अच्छा, काई ई क्या है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, ये नाम है इसका, काई ई का, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई सब्सटेंस कितना आसानी से पोलराइज हो जाएगा, कोई सब्सटेंस कितना आसानी से पोलराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, उसमें डाइपोल फॉर्मेशन होगी,
तो एक तरीका तो यह है पोलराइजेशन को बताने का कि ऐसे बताएं, सॉल्यूशन तुम्हारे पास है लिखा हुआ। एक तो मैं इसमें करेक्शन बता देता हूं तुमको, दूसरा इसका एक और फॉर्मेट समझ लो। अगर क्वेश्चन में राइट ए रिलेशन फॉर पोलराइजेशन ऑफ ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल, बस यहीं तक होता, सेकेंड लाइन एबसेंट होती, तो मैं बाउंड नहीं किया होता इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन होता, तुम ये लिखते, तुम लिखते पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू, सॉरी, पोलराइजेशन इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तुमसे यूनिट भी पूछते हैं कभी कभी इसकी, पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन एक जनरल टर्म है जो केमिस्ट्री में भी आती है, पोलराइजेशन एक डिफेक्ट है सेल का, पोलराइजेशन ऑप्टिक्स में भी आता है, पर इन दोनों ही पोलराइजेशन को मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ यही पोलराइजेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जिसे हम नाप सकते हैं। तो ऊपर वाले को नापेंगे कूलम मीटर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नीचे को नापेंगे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो इसकी ऐसा यूनिट बनती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिज्म में जाकर तुम लिंक करते हो, तो कोरिस्पॉन्डिंग टर्म को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी यूनिट बन जाती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम होता है आई ए, तो उसको नापते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे फिर मीटर क्यूब आ गया, तो ऐसा यूनिट बनती है एम्पियर पर मीटर। अब तुम्हें कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी है, ये कोरिस्पॉन्डिंग रिलेशन हो गए। मैग्नेटिज्म में तुमने ऐसे ही रिलेशन और सीखा है, इनसे तो फैमिलियर हो ना तुम, इन दोनों से, ये दोनों रिलेशन से तुम फैमिलियर हो। मैग्नेटिज्म में तुमने ऐसा ही रिलेशन और सीखा है, वो क्या सीखा है, तुमने सीखा है बी इक्वल टू म्यू एच, और एक और सीखा है एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तुमने सीखा है काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू एम अपॉन एच, एम इज मैग्नेटाइजेशन एच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये नीचे वाला एफर्ट है तो एम जो है वो आउटपुट है। अब यहां से अगर देखें तो रिलेशन बनता है एम इक्वल टू काई एम टाइम्स एच, ये एक्सप्रेशन बनता है, जबकि जो एक्सप्रेशन अभी तुम देख रहे थे कोरिस्पॉन्डिंग P वेक्टर इक्वल टू काई ई टाइम्स ई। डिस्क्रिपेंसी क्या है, अगर मैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग लिखता हूं M वाले के कोरिस्पॉन्डिंग, तो M के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होता है यहां पे पोलराइजेशन P, काई M के कोरिस्पॉन्डिंग क्या आएगा काई ई, वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब यहां कोई B तो है नहीं कि मैं E लिख दूं, अगर मैं E लिखता हूं तो H की जगह क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो एक नई क्वांटिटी यहां से ओरिजिनेट हुई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्राइजेशन वेक्टर, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं डार्क करके दिखाता हूं बोल्ड लेटर ई, एंड इट इज इलेक्ट्राइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यह है इलेक्ट्राइजेशन वैक्टर, इलेक्ट्राइजेशन फील्ड है, तो यह नई क्वांटिटी आ गई, तो यह रिलेशन बनता है। अब इस B के कोरिस्पॉन्डिंग रिलेशन अगर बनाओ तो क्या बनेगा, B इक्वल टू म्यू एच के कोरिस्पॉन्डिंग यहां पे बन जाएगा, B की जगह आएगा E, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू जहां जहां आता है वहां पे आता है वन अपॉन एप्सिलॉन, दोनों इनवर्स प्रॉपर्टीज हैं, H की जगह इलेक्ट्राइजेशन वेक्टर आएगा फिर से, तो यह रिलेशन है दोनों वैक्टर्स में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम वहां ई लिखना चाहते हो तो खाली ई नहीं आएगा, यहां पर अगर तुम लिखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो खाली ई नहीं आएगा, काई ई के साथ एप्सिलॉन आएगा और फिर ई वेक्टर, अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इस ई की वैल्यू किसके बराबर होगी एप्सिलॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा एप्सिलॉन, तब ये रिलेशन सही होगा। तो किताब में
यानी बुकलेट में, उसको तुम करेक्ट कर लो रिलेशन को, और इस क्वांटिटी को तुम्हें समझना है कि ऐसी कोई कोरिस्पोंडिंग क्वांटिटी होती है जिसको हम इलेक्ट्राइजेशन वेक्टर कहते हैं। और हाँ, मैंने बताया कि वो जो रिलेशन लिखा हुआ है किताब में, सॉल्यूशन में, P इक्वल टू काई ई टाइम्स ई लिखा हुआ है, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो साथ में एप्सिलॉन और आएगा, नहीं तो डार्क ई, बोल्ड लेटर ई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्राइजेशन फील्ड, वो लिखना पड़ेगा अगर एप्सिलॉन को हटाते हैं। तो वो रिलेशन मैंने कैसे निकाला, कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन से तुम्हें डिराइव करके बताया कि वो कैसे आया है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ये किसी को पूछना है, किसी की क्वेरी है, अगर तुमने अटेम्प्ट किया तो? एनीबडी वांट टू आस्क? अटेम्प्ट किया है क्या? किसी को नहीं पूछना, अगले पे चलते हैं। जब तक तुम हाथ ऊपर के करके नहीं बोलोगे, ये क्लियर है सबको? कई बार मेगा क्लास में डिस्कस किया हमने, दो बॉल्स हैं प्लास्टिक की, हर एक पर चार्ज क्यू है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, इनके बीच में हम प्लास्टिक शीट डाल देते हैं, ओके सॉरी, इनके बीच हम प्लास्टिक शीट डाल देते हैं तो क्या होगा? फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो बोर्ड में दिया जाता है, फोर्स विल बी रिड्यूस्ड। रीजन हम बताते हैं, एफ डैश इक्वल टू एफ बाय के, ये रीजन बताते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे डिनोमिनेटर में। कंपटीशन में हम बताते हैं नो चेंज, क्योंकि कंपटीशन में हम मानते हैं कि जो शीट है वो थिन है, और बोर्ड में ये मान के चलते हैं कि बीच के पूरे मीडियम में क्या आ जाएगी, शीट आ जाएगी, एंड चार्जेस आर आल्सो एम्बेडेड इन दैट प्लास्टिक। तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो नया फोर्स एफ डैश हो गया एफ बाय कैपिटल के, वन अपॉन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, तो फोर्स गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा फोर्स। क्या ये क्लियर है, या बना के बताऊं? क्लियर है? नेक्स्ट ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, कैपेसिटर वाला, किसी को पूछना है तो हाथ ऊपर करो, किस किस को पूछना है भाई? ऑलरेडी बुकलेट में है, सॉल्यूशन है, तो मैं सिर्फ वही बताऊंगा, जो पूछना है 15 से ज्यादा हाथ ऊपर होंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, ये पैटर्न हमारा रहेगा। तो 15 से ज्यादा हाथ ऊपर नहीं है तो तुम इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर सकते हो सॉल्यूशन देखने के बाद। 17th क्वेश्चन, किसी को पूछना है कि पॉइंट पी पर अगर जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एनीबडी वांट टू आस्क 17th क्वेश्चन? कोई नहीं जानना चाहता, ओके। 2 मार्क क्वेश्चन किसी ने किए हैं, डेरिवेशन किया है, आता है तुमको डेरिवेशन, थीटा 0 से थीटा 1 घुमाना है, वर्क डन। पीई 1 माइनस कॉस थीटा, क्या डिराइव करके बताऊं? कितने लोग चाहते हैं डिराइव करके बताऊं? रेज योर हैंड, डिराइव करके बताओ, ओके। देखो पेपर पे देखो, डेरिवेशन देखो, 2 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा 1 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट द डेरिवेशन, डेरिवेशन का स्वाद चखो। डेरिवेशंस आर क्वाइट सिंपल, बहुत आसान होते हैं डेरिवेशंस। एक स्ट्रेटेजी होती है जो हमें फॉलो करनी होती है किसी भी डेरिवेशन के लिए। हर डेरिवेशन में कॉमन एक डायग्राम होता है, कुछ मैथमेटिक्स होती है, रिजल्ट होता है हर डेरिवेशन में। लैंग्वेज से जो तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, हम लिखेंगे आंसर, अभी देखेगा, देखो आंसर बाउंड्रीज में देख लेता हूं। आंसर में सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम, जो सिचुएशन दिखाई है। डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें दिखाना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई को दिखाया जाता है इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, और तुमको बनानी है 5 इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। डाइपोल के कुल मिलाकर 7 डेरिवेशंस हैं, 7 डेरिवेशन में तुम बनाओगे 5 इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन, जो रिप्रेजेंट करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
पांच ही क्यों, जिससे कि सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज हम इजीली दिखा पाए। शुरू में डाइपोल पोजीशन ए बी में पड़ा है, दिस इज पोजीशन ए बी, डाइपोल ऐसे रखा है और इसकी नई पोजीशन हमने इसको घुमा के कर दिया, एंगल थीटा से घुमाया, नई पोजीशन ए डैश बी डैश। हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच वर्क इज नीडेड। और इसमें तुम्हें ये बताना पड़ेगा कौन सा पोल नेगेटिव कौन सा पोल पॉजिटिव। तो उसका लॉजिक ये है, क्योंकि लाइंस जा रही हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में कहीं पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा माइनस क्यू, बी पोल जो होगा वो प्लस क्यू होगा, यानी बी डैश इज प्लस क्यू, ए डैश इज माइनस क्यू। तो अब डायग्राम बन चुका है, तो लैंग्वेज लिखी जाती है, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो पूरा डिस्क्राइब करेंगे कंसिडरिंग डाइपोल ए बी सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन पोजिशन ए बी, नाउ इट इज रोटेटेड फ्रॉम पोजिशन ए बी टू न्यू पोजिशन ए डैश बी डैश। अच्छा, इसको पढ़ता कोई नहीं है, जो तुम्हें तीन चार लाइनें लिखनी है तुम अपने अंग्रेजी के हिसाब से सेंटेंस बना के डिस्क्राइब कर दो। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, कंसिडरिंग द सिचुएशन शोन इन फिगर, कंसिडरिंग द सिचुएशन शोन इन फिगर। और सीधे हम आ जाएंगे इसकी मैथमेटिक्स पर। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम पोजिशन ए बी टू इट्स न्यू पोजिशन ए डैश बी डैश इज, इसके बाद डैश कितना वर्क करना पड़ा, वर्क का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, डब्ल्यू होता है एफ डॉट एस, रेफरेंस साइड में अगर मैं तुम्हें लिख के बताऊं एक फॉर्मूला एफ डॉट एस जो लीनियर वर्क के लिए लगता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, जब डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स वेरिएबल होता है तो लगता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, पर यह रोटेशनल वर्क है, रोटेशनल वर्क है तो क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डॉट डी थीटा, टॉ डॉट डी थीटा एफ के कोरिस्पॉन्डिंग घुमाने वाला फोर्स टॉर्क टॉ और डीएस के कोरिस्पॉन्डिंग डी थीटा। तुम्हें समझना होगा कि जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स, ऑल एंगुलर क्वांटिटीज आर एक्सियल वेक्टर्स, सबकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घुमाया तो ऊपर ऐसे घुमाया तो नीचे, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, तो टॉ की डायरेक्शन और डी थीटा की डायरेक्शन सेम है, सेम है, तो अगली स्टेप क्या आएगी, अच्छा कहां से कहां घुमाना है तुमको, बोले थीटा जीरो टू थीटा वन, तो नीचे लिमिट्स लगा दूंगा थीटा जीरो से थीटा वन, टॉ की वैल्यू रख देंगे, पहले तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं और साथ में वैल्यू भी रख देते हैं, एक स्टेप खा जाते हैं, पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला तुमको पता है, साथ में आया डी थीटा और कॉस जीरो, क्योंकि डी थीटा और टॉ सेम डायरेक्शन में है, थीटा जीरो टू थीटा वन। कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लो, पी कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट, साइन थीटा अंदर रह जाएगा, एक स्टेप और खा जाओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा लिमिट्स लगा देते हैं, थीटा जीरो टू थीटा वन, तो हमें मिलता है माइनस पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा जीरो, माइनस को अंदर ले जाते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन W इक्वल टू
PE times cos theta 0 minus cos theta 1. जिस जिस को जो जो इसमें नहीं समझ में आया पूछ लो, कोई तुम्हारे सजेशन है ऑब्जेक्शन है तो तुम दर्ज कराओ, यानी बताओ। एटमॉस्फेयर सपोर्ट में हमारे ठंड बढ़ गई है और मॉइस्चर है हवा में, तो साउंड की स्पीड बढ़ गई है। साउंड की स्पीड बढ़ने से भले ही तुम्हारे पास माइक नहीं है पर तुम कुछ भी बोलोगे आवाज तुरंत और साफ आएगी। जैसे सर्दियों में दूर दूर से आवाज है, रात में तुम सोते होंगे जब महसूस किया होगा तुमने, तो तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी जगह से बोल सकते हो अगर कुछ बताना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, रेज योर हैंड, अपनी जगह से खड़े होकर बोल सकते हो। नहीं तो मैं मानूंगा डेरिवेशन इज क्लियर। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसको ब्लॉक में बंद कर देंगे। दिस इज मेथड ऑफ डेरिवेशन इन बोर्ड, और कुछ नहीं लिखना। तो डेरिवेशन में तुमने देखा क्या क्या था, एक डायग्राम, डायग्राम मस्ट बी परफेक्ट। यहां पर पहला राइट लगेगा कॉपी चेक करने वाले, और फाइनल रिजल्ट वहां पर दूसरा राइट लगेगा, बीच में कहीं कोई राइट नहीं लगेगा। वापस लौटते हैं, हम चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, यानी एक्सरसाइज कौन सी, सैंपल पेपर 2018। तो रजिस्टर रिवर्स कर लो, सैंपल पेपर 2018। इसके बचे हुए क्वेश्चंस, कल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन किया था मैंने, तुम्हें बताया था कि इसमें स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए। यहां पर एक पॉइंट होगा आई के एक्सिस पर जिसकी वैल्यू होगी ई बाय स्मॉल आर। तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एसक्यूपी 2017-18 से। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्या ये हमने कल सॉल्व किया था, नहीं किया था, सॉल्व इट, बनाओ। स्केच द इमर्जेंट वेव फ्रंट, ये एक्सरसाइज करनी है तुमको। यहां मैं देखने आ सकता हूं तुम्हारे पास, तुम बनाओ, जितनी गलतियां कर सकते हो यहीं पर कर लो, जिससे एग्जाम में सब कुछ सही सही कर सको। बनाओ, बनाओगे जब भी पता चलेगा किस तरह की गलतियां तुमसे हो सकती हैं। कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इज रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, म्यू कह लो एन कह लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। जब रे जाती है डेंसर टू रेयर मीडियम तो नॉर्मल से दूर हटती है, और जब जाती है रेयर टू डेंसर मीडियम तो नॉर्मल के पास आती है। सो ड्रॉ इट, दिस इज अ कंसेप्ट इन्वॉल्व, बना के बताओ पूरा। वेव फ्रंट रेस के साथ बनाओ, तो रेस किधर जाएंगे, रेस दिखाओ, ऐसे आइडिया नहीं लगता। क्या तुमने कंसेप्ट सही लगाया है, जस्ट चेक, टेक ए पॉज, जिन्होंने भी बना लिया है एक छोटा सा पॉज लेकर सोचें, वापस से रिकंसिडर करें कि कुछ गलत तो नहीं हुआ। कुछ बच्चे सही बना रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बना रहे हैं, तो जस्ट चेक। सभी ने ड्रॉ कर लिया, ओके। अगर तुमने ड्रॉ कर लिया तो गेम खेलते हैं। गेम यह है, हियर इज सॉल्यूशन विच मे बी रॉन्ग विच मे बी राइट। तुम्हारे हिसाब से ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि जो सॉल्यूशन यहां दिखाया है वो सॉल्यूशन रॉन्ग है, रेज योर हैंड। इतने सारे बच्चे, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई तुमसे, तुम सब रॉन्ग हो गए जिन्होंने हाथ ऊपर किए, बिकॉज सॉल्यूशन इज करेक्ट। रीजन बिहाइंड, रीजन इज सिंपल, ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि प्रिज्म है तो डेंसर होगा बिना पढ़े, है ना, ओवरलुक कर जाते हैं। तो प्रिज्म डेंसर नहीं है, एयर का बना हुआ है। प्रिज्म किसका है, रेयर है, एयर, और सराउंडिंग मीडियम क्या है, डेंसर है। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा तुम्हें कंसेप्ट।
नहीं हुआ तो अभी क्लियर कर देते हैं। देखो ये प्रिज्म है, जब रेज जाएंगी, रेज आर इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है, बाहर मीडियम है डेंसर, अंदर रेयर है, हालांकि इससे इस फेस एबी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मान लो एबीसी, ये रे स्ट्रेट जाकर यहां स्ट्राइक करेगी, या वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन ही रहेगा। रीजन, रिफ्रेक्शन का जो मॉडल है हमारे पास वो है, वो एक घास काटने वाली मशीन, अगर मैं बिल्कुल सीधी लेके जाऊं, दोनों पहिए एक साथ घास में जा रहे, दोनों की स्पीड एक साथ सेम अमाउंट से कम हो रही, तो सीधी चलती रहेगी मशीन, टेढ़ी चलाऊंगा तो एक पहिया फास्ट एक स्लो होगा तो बेंड होता है टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो कंसेप्ट यहां पे तुम लगा सके, तो सीधा जाएगा यहां तक, तो ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक का। इससे आगे क्या होगा वो देखो, इससे आगे अगर मैं यहां पे नॉर्मल खींचता हूं, देन दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो रे जब रेयर मीडियम, क्योंकि यहां पर है एयर और बाहर क्या है ग्लास, तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर दो भाई, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, तो सॉल्यूशन मिल गया तुमको, दिस इज द सॉल्यूशन। पूछ लो जिसे जो बात समझ में नहीं आई, आ गई। तो इससे हमने क्या सीखा, बात छोटी सी थी पर ये सीखा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, कभी उल्टा भी हो सकता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव ये सब, तो अब यहां जितनी गलती करनी थी कर दी, कोई गिला शिकवा नहीं है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में सही होना चाहिए। तुम आज यहां बैठे हो सर्दी में, तो कुछ तुम्हें फायदा मिलना चाहिए, और यही फायदा वो बाद में पता चलेगा, है ना, क्योंकि अच्छे फल मिलने में देर लगती है थोड़ी, है पेशेंस रखना पड़ता है। नेक्स्ट नोट करो क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट नोट डाउन, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, 11th में भी पढ़ा था 12th में भी पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो वेव पिक्चर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी हम तय करते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट डिटरमाइंस, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर, जब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वहां पर फोटोन पिक्चर आ जाती है। कितने बच्चे इसका जवाब जानते हैं, तो डेफिनेशन जानते हो, इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, वही डेफिनेशन आनी है। एनसीईआरटी में तीन अलग अलग तरह से लिखी है, कौन से तीन तरह से लिखी है मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं। एक डेफिनेशन तो ये लिखी है, इन फोटोन पिक्चर इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, एक जगह लिखा है नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, और एक जगह लिखा है नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये तीन वेरिएंट्स अवेलेबल है एनसीईआरटी, तो विच वन इज द बेस्ट, बिल्कुल सही। तो जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया तो उसमें करेक्शन लगाओगे, यानी सही डेफिनेशन लिखोगे, और एग्जाम में पूछे जाने पर यही वाली लिखनी है तुमको, यानी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअली फोटोन पिक्चर में जो इंटेंसिटी होगी वो होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हम इसको यूज करेंगे। हाँ नहीं, फ्रीक्वेंसी एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम इंटेंसिटी की बात कर रहे, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसमें कंपटीशन और बोर्ड लेवल पे कंफ्यूजन चलता है बहुत, वो
कंपटीशन वाले टीचर जो है जो ग्राफ दिए हुए एनसीईआरटी ने उसको भी गलत बता देते हैं। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, फोटोन यानी पार्टिकल नेचर को अलग रखना है, वेव नेचर को अलग रखना है। जब भी वेव नेचर की बात करेंगे तब हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे, इंटेंसिटी की बात करेंगे। वेव नेचर की बात करेंगे तो एनर्जी को इंटेंसिटी से लिंक करेंगे, और पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से लिंक करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे, ड्यूअल नेचर जब पढ़ेंगे। अभी तुम क्या है, इसको डेफिनेशन ये रहेगी, दूसरी कोई डेफिनेशन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी दबा छुपा और कुछ नहीं है, बस ये पर यूनिट एरिया जोड़ना था। नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, लिखते वक्त शॉर्ट फॉर्म्स यूज करो, जैसे एन एवी अल्टरनेटिंग वोल्टेज एवी इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू ए सर्किट, सर्किट का शॉर्ट फॉर्म सी के टी, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। कंटेनिंग रजिस्टर लिखने की जरूरत ही नहीं, कंटेनिंग कैपिटल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एक जनरल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स का मतलब ऐसा कुछ जिसके बारे में कुछ नहीं पता, पता करना है। तो जो Z दिखाया वो Z ब्लैक बॉक्स है, ऐसा कुछ जिसके बारे में नहीं पता उसको बोल देते हैं ब्लैक बॉक्स। ऑप्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये सारे हमने डिजाइन किए थे फिजिक्स लैब में आईफो कंपटीशन के लिए, लेजेंड के लिए। लेजेंड को इन पे सब पे प्रैक्टिकल करवाया था। आज भी वहां पर हमारे पास फिजिक्स लैब में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ये दो ब्लैक बॉक्स अवेलेबल है, यानी इसमें कंपोनेंट लगे हुए, तुम्हें पहचानना है मल्टीमीटर से कि पीछे कौन सा कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हारे, करंट लीड कर रही है कि लैग कर रही है? करंट इज लीडिंग बाय एंगल पाई बाय 4। तो करंट अगर लीड करती है तो कैपेसिटिव होता है सर्किट या इंडक्टिव होता है? कैपेसिटिव होता है। इसको याद रखने के लिए छोटा सा फ्रेज है मेरे पास, वो फ्रेज क्या है, एली दी आइस मैन। अगर हम ये याद रख लेते हैं एली दी आइस मैन, यानी कोई आइस मैन है उसका नाम क्या है, एली है। तो एल इज इंडक्टर, इंडक्टर में कौन पहले है, ईएमएफ पहले, करंट बाद में, और आइस, सी इज कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट पहले और ईएमएफ बाद में। तो इससे याद रख सकते हो तुम कि किसमें कौन आगे कौन पीछे रहेगा, एली दी आइस मैन। तो क्वेश्चन यहां पर ये है, स्टेट वेदर द एलिमेंट इन द ब्लैक बॉक्स इज ए कैपेसिटर और इंडक्टर, जिसका जवाब तुमने ढूंढ लिया, इट इज कैपेसिटर क्योंकि करंट आ गया। कुछ बच्चे सजेस्ट करते हैं कि ये पाई बाय 4 मिसप्रिंट है, इसको तो पाई बाय 2 होना चाहिए। तो गौर से देखो, खाली कैपेसिटर नहीं है, सर्किट में प्योर कैपेसिटेंस नहीं है, रेजिस्टेंस साथ में जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट आएगा, जैसे LCR सीरीज सर्किट में होता है। तो रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट आएगा वो फेजर डायग्राम में हम देखते हैं। ड्रॉ द कोरस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम एंड फाइंड द इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ आर। नोट कर लो, पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया, सर्किट बना लिया, बनाओ बनाओ, पूरा क्वेश्चन नोट करो, सर्किट बनाओ। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझो। इस क्वेश्चन में ये प्रोविजन है कि अलग अलग सेट में, अलग अलग सेट में हम चाहें तो दूसरे कंपोनेंट्स को ला सकते हैं। किसी में करंट पीछे हो सकती है, करंट पीछे तो इंडक्टिव हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से सूटेबल है। सॉल्यूशन देखो, बनाओ जल्दी से।
बना लिया। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे एलिमेंट यूज्ड इज कैपेसिटर, उसको अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे। फेजर डायग्राम, वोल्टेज कैपेसिटर में पीछे होती है 90 डिग्री, रेजिस्टर में सेम डायरेक्शन में, तो ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाया, तो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी पाई बाय 4 पर। रीजन, वीसी वीआर के बराबर है। यहां पर वीसी और वीआर को लिखने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है, ये ऐसा होना चाहिए वी सब्सक्रिप्ट सी वी सब्सक्रिप्ट आर, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो जब भी वीसी वीआर के बराबर होगा एक्ससी आर के बराबर हो जाएगा, और अगर एक्ससी आर के बराबर होगा तो इंपीडेंस जेड हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूले से, इंपीडेंस जेड आ जाएगा आर रूट टू। तो पूरा सॉल्यूशन नोट कर लो, और जिसको जो बात नहीं समझ में आ रही हो पूछ लो अपनी जगह खड़े होकर रिगार्डिंग दिस सॉल्यूशन। कोई भी बात अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए एलसीआर सीरीज सर्किट का तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं अबाउट एलसीआर सीरीज सर्किट। इसमें जो एक अच्छा क्वेश्चन जो कई बार आया है, तुमसे पूछते हैं मेटल डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। कितने बच्चे जानते हैं मेटल डिटेक्टर का प्रिंसिपल? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर? हाँ, किस प्रिंसिपल पे काम करता बताओ बताओ, जोर से बोल के बताओ। अगर एग्जाम में आएगा मेटल डिटेक्टर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तुम क्या लिख के आओगी? द करेक्ट आंसर इज एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। तो एक कॉइल होती है, उसमें जब कोई मेटल का पार्ट लेकर उसमें एंटर करता है तो उसका इंडक्टेंस चेंज होने से सर्किट ऑफ रेजोनेंस चले जाता है और हूटर साउंड प्रोड्यूस कर देता है, वैसे रेजोनेंस में रहता है। नोट कर लिया, अगले सवाल पे चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी नोट करना है 7th नंबर पे। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन EMW, शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे EMW, इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन EMW इज गिवन बाय BY = 12 × 10⁻¹⁸ साइन 1.20 × 10⁷ z प्लस 3.6 × 10⁵ छोटा टी, ये छोटा टी टाइम का टी है, तो बड़ा टी किसका टी है? द यूनिट टेस्ला। कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद EMW एंड स्पीड ऑफ द वेव, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो प्री रिक्विसाइट तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी आधी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आधी होती है मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इक्वली डिवाइडेड होती है हाफ हाफ। नोट कर लिया क्वेश्चन? जिन्होंने कर लिया वो सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें, इसका सॉल्यूशन सोचें। उसके लिए हिंट में तुम्हें फॉर्मूला बता दूं, स्पीड होती है ओमेगा बाय के, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वेव तो पढ़ा था 11th का, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के जेड माइनस ओमेगा टी, ये फॉर्मेट। कितने बच्चे कर सकते हैं इसको? निकाल लो आंसर, निकाल लो, कर सकते हैं तो करो, सॉल्व करो करो।
हाँ वही एवरेज एनर्जी डेंसिटी. क्या एवरेज एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी डिफरेंट है? डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी तो फिर वेरी करेगी, वेरिएबल होगी. वेरिएबल क्वांटिटी तुम कैसे निकालोगे? फिर तो इक्वेशन फॉर्म में आएगी, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी उसकी. इसका मतलब तुम्हें कांस्टेंट वाली टर्म निकालनी है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. तुम क्या कह रहे हो? जोर से बोलो. सेकंड वाले का आंसर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, करेक्ट ओमेगा बाई के. फर्स्ट वाले में थोड़ा सा समझने का है. मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जो इन्होंने सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया है. जितने बच्चे इससे सहमत हैं वो हाथ ऊपर कर सकते हैं. अगर तुमने कुछ कैलकुलेशन की है और 7 के फर्स्ट पार्ट से तुम एग्री करते हो, सहमत हो, देन यू मे रेज योर हैंड. जस्ट एनालाइज इट. अगर तुम इससे एग्री करते हो, जो सॉल्यूशन एनसीईआरटी इसमें सीबीएसई ने दिया है सैंपल पेपर में, एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करना है. सेकंड के नहीं, फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं. एग्री करते हो तुम? अच्छा, कुछ बच्चे एग्री करते हैं, कुछ बच्चे, ज्यादा बच्चे नहीं करते हैं या उन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है. ओके, जस्ट गो थ्रू द थ्योरी फर्स्ट. द थ्योरी इज, तुमने कुछ टाइम पहले एक डायग्राम देखा था EMW का, कम्युनिकेशन सिस्टम जब पढ़ा रहा था, रेड और ब्लू में एक मैग्नेटिक फील्ड था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था. तो मैं तुम्हें बता दूं, E=E₀ साइन के ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, जेड माइनस ओमेगा टी, जेड डायरेक्शन में जाने वाली वेव की, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड. B=B₀ साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है. प्रेजेंट इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो मैं B₀ निकाल सकता हूं. B₀ की वैल्यू कितनी आ गई? 12×10⁻¹. K की वैल्यू निकाल सकता हूं 1.2×10⁷. T का मल्टीपल ओमेगा देगा 3.6×10⁵. यहां तक समझ में आ रहा है सबको? इससे आगे चलते हैं. कंसेप्ट है, एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती है. एक तो देखो, तुमने कैपेसिटर के लिए पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो थी ½CV². फिर तुमने निकाली थी एनर्जी डेंसिटी, वो निकल के आई थी वॉल्यूम से डिवाइड करने पर ½ε₀E². सिमेट्री से अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर में स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी थी ½LI², और वॉल्यूम से डिवाइड करने पर ये कैलकुलेट होकर आई थी ½B²/µ₀. एग्रीड? ठीक है. कैपेसिटर और इंडक्टर में तो क्या होता है कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, जबकि वेव में क्या वेरी कर रहा है? वेरिएबल है. वेरिएबल है तो ऐसे सिचुएशन में ये फॉर्मूले काम के नहीं है हमारे, क्योंकि बी की वैल्यू तो वेरी कर रही है, ये ई की वैल्यू वेरी कर रही है. फिर एक कंसेप्ट और काम आएगा तुम्हारे, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर होती है, इसलिए टोटल एनर्जी डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल एनर्जी डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ यूई. अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज हो और क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है, तो ट्वाइस ऑफ यू बी. इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो यहां पर मुझे कैलकुलेट करना है ट्वाइस ऑफ यू बी. यू बी कितना था? ½B²/µ₀. µ₀ हम जानते हैं 4π×10⁻¹. अब सवाल रह जाता है खाली बी का. तो फॉर्मूला तो क्या बन गया इसके हिसाब से? फॉर्मूला बन गया B²/µ₀. यहां पर क्या लिखा हुआ है?
सेम बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो, यही लिखा हुआ है। और मैंने क्या लिखा है, यही लिखा है। पर एक समस्या है, समस्या क्या है, बी तो हमें नहीं पता, या बी को मैं रखूं तो क्या लिखूं यहां पे, हाँ तो हमें बी जीरो पता है, इस वेरिएबल को हमें बदलना पड़ेगा कांस्टेंट में। आरएमएस वैल्यू की जरूरत वहीं पड़ती है, चाहिए फिजिकल क्वांटिटीयां ऐसे वेरी करती है, क्वांटिटीज कैसे वेरी करती है, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, वहां पे हम आरएमएस यूज करते हैं। तो यहां अगर मैं शॉर्टकट मारता हूं तो वो शॉर्टकट क्या है कि बी को मैं आरएमएस मानते हुए इसकी जगह लिखूंगा बी जीरो बाय रूट टू, और जैसे बी जीरो बाय रूट टू लिखता हूं ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर बनता है 1/2, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर होगा बी जीरो स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो, इससे कैलकुलेशन होगी। अब जो लोग उससे सहमत थे उस रिजल्ट से, क्या रिजल्ट वही आएगा या डिफरेंट आएगा, ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखेंगे 11.5 × 10⁻¹ आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। जो बात नहीं समझ में आई पूछ लो, मीन्स इस पार्ट में प्रॉब्लम है, सो वी हैव टू क्रिटिकली चेक इट, इसको समझ के करना होगा। अगर तुम्हें समझ में आ गई बात तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछो, हाँ जोर से चिल्ला के बोलो, अभी खाना मिलेगा घर जाते, हाँ आर आरएमएस क्यों निकाल दो, जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटी है जिनका वेरिएशन साइनोसॉइडल होता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, जैसे एवरेज निकालते हैं जीरो आ जाता है, हमारे किसी काम का नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं नेगेटिव का इफेक्ट खत्म हो गया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, फिर मीन लेते हैं क्योंकि उसका मीन जो भी वेरी कर रहा है उसका मीन लेना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मीन लेते तो हमारे किसी काम का नहीं था, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, पहले क्या किया स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद मीन लिया। अब क्योंकि स्क्वायर किया था, स्क्वायर का असर खत्म कैसे करेंगे, रूट लेकर, तो रूट लिया तो इसलिए निकालते हैं आरएमएस, जिससे उसका मैग्नीट्यूड का अंदाजा, उसके इफेक्ट का अंदाजा हम लगा सकें। ये इंपॉर्टेंस है आरएमएस वैल्यू, हाँ ये नहीं आ रहा, इसका डबल आ रहा है या इसका आधा आ रहा है, इसका आधा आ रहा है, ठीक है जो हमने सॉल्व किया है वो सही है, ये गलत है, क्लियर। अगला क्वेश्चन नोट कर लो होमवर्क के लिए, अटेम्प्ट करना घर पे, फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट नोट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व एट होम, घर पे सॉल्व करने की कोशिश कर। इसके लिए कोई हिंट मैं तुमको नहीं दे रहा, no hint will be provided for this question, just note down it, refraction at a curved surface.